तो दोस्तों एक बार नए वीडियो में हमारे आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे देखिए कानपुर सेंट्रल पे अभी हम खड़े हुए हैं और एक और नए शानदार वीडियो में आप लोगों को बहुत ही तगड़ी लोकेशन दिखाने वाले हैं और बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग जो है इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए अभी कानपुर मेट्रो स्टेशन बन रहा है, ये देखिए मेट्रो स्टेशन कानपुर सेंट्रल के जस्ट बाहर ही, और अंडरग्राउंड काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए लोगों की भीड़ देखिए, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है आज और तेज़ चल रही है, तो लोग बाहर ही बिछा के लेटे हुए हैं। ये हर स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। इसीलिए यहाँ पे देखिए मेट्रो बन रहा है, काम चल रहा है, इसीलिए जो है इधर देखिए साइड से एक पतला सा रास्ता बना दिया गया है, बाकी सबको कवर कर दिया गया घंटाघर जाने का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख रखा है, मैं भी घंटाघर पर ही चल रहा हूँ। और आप सभी को बता दें कि घंटा घर पर कुछ ऐसा काम हो जाता है आजकल में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। और हमारे बाहर से आने वाले भाई बंधु जब नाइट में ऐसी जगह पे आते हैं तो बहुत लोग जो है वहाँ पे ये सब बताने की कोशिश करते हैं। कई रिक्शे वाले या कई ऑटो वाले खड़े रहते हैं, भाई साहब होटल चाहिए होटल चाहिए, होटल पूछते पूछते लड़की भी पूछ लेते हैं चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखिए मेट्रो का काम मतलब बहुत तेज़ी से चल रहा है, हमारे साथ कई बार हो चुका है, इसीलिए हम बता रहे हैं भाई हमें हमारा कानपुर आना जाना बहुत रहता है लखनऊ से, तो हम इसीलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहे हैं। इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन देने की हम नहीं कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेट्रो का काम चल रहा है, ठीक है, अंडरग्राउंड मेट्रो यहाँ पर बनेगी क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है यहाँ पर, ऊपर लाइन निकाली नहीं जा सकती, पतला पतला इतना है नहीं, बहुत एरिया ऊपर कवर कर लेगा, है ना। तो अंदर अंदर बना लेगा तो यहाँ पर पार्किंग की तो हमेशा जरूरत पड़ेगी, और अगर ऊपर ऊपर बनता तो पार्किंग में दिक्कत आ जाती, इसी वजह से अंडरग्राउंड यहाँ पे काम चल रहा है। और कितना काम हो गया वो तो अभी पता नहीं, लेकिन मेट्रो कानपुर में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और हर जगह मेट्रो हो जानी चाहिए, यूपी में तो हर बड़ी सिटी में होना चाहिए। और अभी देखिए यहाँ पे मैं बाहर निकल रहा हूँ और ये घंटाघर की तरफ बाहर की रास्ता है अभी, है ना, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, 200-300 मीटर की दूरी पर सामने चौराहा मिलेगा आप लोगों को। वहाँ से बहुत जगह के लिए ऑटो, आपको पूरे कानपुर में कहीं भी जाना है घंटाघर से आपको हर जगह के लिए ऑटो मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हमें भी जाना है वहाँ के लिए भी ऑटो नॉर्मली मिल जाएंगे। और रात का कुछ इस तरीके का यहाँ का नज़ारा है, आप लोग पीछे देखिए ये कानपुर सेंट्रल जगमगा रहा है और मेट्रो चल रहा है, इसी वजह से साफ साफ भी नहीं दिख रहा है मेट्रो का काम चलने की वजह से, है ना। तो मैं बात कर रहा था भाई लड़की वाजी की यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, चंद पैसों के लिए यहाँ पर कुछ महिलाएँ, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाह रहा लेकिन भाई ऐसा होता है, आप मानो या ना मानो, ठीक है, आपको लगता है मैं गलत बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं गलत मैं बता रहा, मुझे भी देखने को मिलेगा या दिखाने को मिलेगा, मैं बिल्कुल आप लोगों को दिखाऊंगा और मैंने कई सारे वीडियोस में लाइव दिखाया भी आप सभी लोगों को है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ दिखाया नहीं है, आप सभी लोगों को मैंने लाइव दिखाया है कि किस तरीके से ये लोग खड़ी रहती हैं। और आप अगर वहाँ रुकते हो या बैठते हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल की बात हो जाएगी क्योंकि हर यहाँ पे देखिए चौकी भी है, चौकी है शायद, अब इनका क्या रहता है क्या नहीं रहता है लोग पहचान नहीं पाते इनको क्या होता है। ये देखिए घंटाघर यहाँ पे मौजूद है और यहाँ का घंटाघर का कुछ अलग ही मतलब नज़ारा है कि यहाँ पर मतलब जो घंटाघर है वो थोड़ा साइड में हट के बना हुआ है, ये मेन चौराहा यहाँ पर सेंटर का बाहर के बीच में है बिल्कुल और चौराहा साइड में है। ये देखिए इधर झकरकट्टी की तरफ जीटी रोड, झकरकट्टी बस अड्डा पास ही है दोनों, 1.6 किलोमीटर जीटी रोड है यानी कि 600 मीटर और 700 मीटर पर झकरकट्टी बस स्टैंड है। यहाँ ये कानपुर सेंट्रल के लिए एंट्री है और यहाँ पे चारों तरफ से रास्ता यहाँ पे जाती है। यहाँ पे दुकानें बाहर की तरफ सब लगी हुई थी, अभी सब दुकानें सिमट गई हैं, देखो पिछली बार आए थे तो पूरा बाहर की तरफ दुकानें पूरा रोड तक लगी थी, अभी सिमट गई हैं पूरी दुकानें। तो ये कुछ है अतिक्रमण हटाने का काम जो है कि लगातार चलता रहता है योगी सरकार में, है ना। ये देखिए पुलिस वालों से नमस्ते कर रही है ये लेडीज़ देखिए पर्स टांग के खड़ी है ना, ये इन्हीं की मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप लोग बोलोगे नहीं ये नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, पुलिस वालों को रोक के नमस्ते किया है भाई मेरे सामने, हाँ पुलिस वाले भी रोक के बड़े नमस्ते किए हैं। और अभी मैं पीछे देख पा रहा हूँ, मैं दिखाऊँगा नहीं, उधर पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं काफ़ी लोग क्योंकि चौकी वहीं पर है, तो वहीं पर वो खड़ी हो गई है, है ना। तो इन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ भाई। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ औरतें रहती हैं रात में, अभी तो कुछ टाइम हुआ नहीं है, है ना, ऐसे ऐसे टाइम पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी तो रात के 1 बजने का टाइम है, इस तरीके का है कि 9-10 बजे के टाइम आते हो तो काफ़ी रहती हैं यहाँ पर, है ना,
ये देखिए इधर आप लोग मूलगंज चौराहा जा सकते हो, लातूस रोड जा सकते हो, तो जिधर भी आपको जाना है यहाँ से ऑटो मिल जाएगा। कानपुर में किसी जगह से किसी जगह पे भी जाना हो, यहाँ पे घंटाघर है ना। और इधर जो रास्ता है वो नयागंज जा रहा है, बिरहाना रोड जा रहा है इधर। आप लोग यहाँ से बिरहाना रोड और नयागंज भी जा सकते हो, ये घंटाघर सामने है। इधर की तरफ काफ़ी आप लोगों को लेडीज़ देखने को मिल जाएंगी अगर आप सही टाइम पे आते हो तो। इस टाइम पे तो 1 बजने का टाइम है, रात के 1 बजे का टाइम है, तो अभी तो नहीं है क्योंकि हर आदमी का एक टाइम होता है। फिलहाल अभी एक लेडीज़ हमको देखने को मिली है, मैं 100% कह सकता हूँ वो इसी काम के लिए खड़ी थी, जो पुलिस वालों से जिसने अभी नमस्कार किया था। हाँ कुछ ऐसा बहुत बड़े परिवार से भी नहीं है लोग रहते हैं, वरना अगर बहुत पैसे वाले हों फिर ऐसा काम करें ही क्यों। इसी वजह से ये मिडिल क्लास या बिल्कुल लो क्लास के लोग रहते हैं इधर। स्मार्ट शेल्टर होम बना है काफ़ी दिन से, मैं देख रहा हूँ। एक बार ठंडक में मैं आया था तो इसका इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन उस टाइम पे है ना। तो अभी क्या है इसको जो है उसी टाइम पे बनाया गया था। और दोस्तों हाँ आप लोगों को बता दें कि वीडियो में जो दिखाई गई जानकारी यानी कि बताई गई जो जानकारी और जगह है वो बिल्कुल 100% सही होती है। आप लोग अगर यूट्यूब पे डालोगे इस चीज़ को लेके, घंटाघर को लेके, तो आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। अगर घंटाघर यानी कि कानपुर घंटाघर रेलाइट एरिया करके डालोगे तो हज़ारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जो कि मैं अगर गलत बना दूंगा तो सब गलत नहीं बनाएंगे ना, तो आपको हमारे पे भी विश्वास होगा। इस जगह के बारे में, घंटाघर के बारे में और एक कल्याणपुर के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे साथ वीडियो देखे होंगे कानपुर में रहते हुए, ठीक है। और ये जो मेरा वीडियो है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मात्र के लिए है, तो इसको गलत वे में तो ना ही लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होना हम कह रहे हैं अपने लोकल वालों के लिए तो नहीं, उनको खासकर पता ही होता है, लेकिन जो हमारे बाहर से भाई बंधु आते हैं उनके लिए है कि रात में अगर यहाँ पे उतरते हैं ऑटो वाले आपको सर चाट लेंगे रूम पूछते पूछते, ठीक है। और कई कई बार तो ऑटो वाले शक्ल देख के फिर पूछ लेते हैं कि भैया कुछ और सर्विस चाहिए कि, तो बताना व्यवस्था करवा दी जाएगी। तो इस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से पूछते हैं, कई बार हमारे साथ हो चुका है इसीलिए हमको ये पता है। अब आप कुछ भी इसका मानो पर ये बात सही है। और वीडियो और इस चैनल पर दिखाए गए जितने भी वीडियो हैं कोई फालतू के वीडियो नहीं होते भाई, सबका बनाने का मतलब मकसद यही होता है कि आप तक सही और शुद्ध जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ताकि जगहों से आप अवेयर हो सके, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे कि ये सब बहुत कमेंट आते हैं गलत है गलत है, लेकिन ठीक है अगर कुछ ही आदमी को इन्फॉर्मेशन मिली तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है, हमारा वीडियो बनाने सफल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहले आप विजिट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और दोस्तों को अपने वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि ऐसी जगहों से वो भी अवेयर हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।